एवरीवन, सुबह नहीं, सुबह तो हुई है वैसे, लेकिन 12:30 हो रहे हैं, सुबह नहीं से आफ्टरनून आप लोग कह सकते हैं। और नाश्ता मैं 2 दफ़ा सुबह कर चुकी हूँ, अब 3री दफ़ा नाश्ता कर रही हूँ। मेरी बहन नाश्ता बना रही है, उसको मैं कह दिया है कि मेरा भी नाश्ता बना दो। क्या मैडम आप नाश्ता बना देंगे मेरा? जी थैंक यू सो मच। जाना पका के, हाँ वेलो को पका के देनी पड़ती है, हमारा किचन है आप देख सकते हैं, देख ही रहे हैं बल्कि अंधे से तुम लोग हो नहीं हो। तो मिलते हैं आज, मेरी जॉब पे जाना है, तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। अब आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितनी अजीब लगती है मेरी ड्रेसिंग, कितनी अजीब है। तो मिलते हैं फैशन के बाद। मैं तुम लोगों से मिला था रेडी होने के बाद, लेकिन अभी जो मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी बहन रोटी बनाई है। आप रोटी एक बार देख सकते हैं, तवे पे पड़ी हुई, माशाल्लाह से इतनी प्यारी नक्शा बना के रखा है तुमने रोटी का। सो भी आप देखिए रोटी, आपने ऐसी रोटी बहुत कम लोगों को बनानी होती है, मेरे पास एक टैलेंट है। सो इसका टैलेंट है ये, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि ऐसा टैलेंट मेरे अंदर आए, मेरे अंदर जो टैलेंट है वही बहुत है, मेरा टैलेंट तुम लोग नजर आ ही रहा होगा। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ शूट पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं माशाल्लाह से बहुत 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 अति सुंदर लग रही हूँ, और अब मैं जॉब पर जा रही हूँ। मैं अभी टिकटॉक बना के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ जॉब पर। सो मिलते हैं तुम लोग पर वहाँ जाकर, तुम लोग के साथ वहाँ जाकर। बाय। जली ना, तेरी भी जली ना। तो एवरीवन मैं शूट वाली जगह पे पहुंच चुकी हूँ। सो भी वहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ मुझे शूट करना है, और मीटिंग भी है आज हमारी। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने नहीं आना था, बट यहाँ इफ्तिखार सर आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनके साथ मेरी मीटिंग थी इसलिए मुझे आना पड़ा। और ये इफ्तिखार सर, अस्सलाम वालेकुम। और वो दूसरे सर, और ये है मेरे बॉस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी जी दुआएं आपकी, आप सुनाएं ठीक है, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सो भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अभी इनसे बात करते हैं और मीटिंग करते हैं और बताते हैं आप लोगों को क्या हुआ है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या बात कर रहे हैं बाबा? करने लगी हूँ इफ्तिखार सर का इंटरव्यू। कैसे हैं सर आप? इन्होंने भी एक न्यू सॉन्ग शूट करना है जो कि वो चाह रहे हैं मेरे साथ करें, ऐसा ही है? हाँ, और इंशाल्लाह हमारा सॉन्ग बहुत अच्छा जाएगा, आप लोगों ने जरूर देखना है, बहुत जल्द आएगा। प्लान तो कर रहे हैं हम, अब देखते हैं वो कब अपना सॉन्ग का काम स्टार्ट करते हैं। कब तक करेंगे वैसे आप? थोड़े दिन तक हमारा न्यू सॉन्ग आ रहा है। लव यू ऑल। याद साड़ी पुलियां कहानियां, तू ते अनजाना साड़ी कदरां ना जानियां, मैं लुक लुक रोवां डाडा जग में सताया दूसरी जगह इंटरव्यू करने, और हमारा बैग भी अभी खाने से भर गया है, इन्होंने भरा है और कह रहे हैं अभी और भरेगा। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट जगह पर और फिर बात करते हैं आप लोगों से। कुछ पूछा मैंने। अभी हम लोग काम कर करके, शूट कर करके थक चुके हैं, और मैंने सोचा नहीं भाई अब काम से पहले हमने पीनी है कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद ही कोई काम करना है। तो अभी हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, इसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट शूट के लिए। तो मैंने दिन में जो भी किया आपको वाइब्स ही हैं, ये मेरे बॉस हैं, मेरे साथ ही होते हैं, हम दोनों मिल के शूट करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट शूट पर जाकर। अब कहाँ जा रहे हैं बॉस? सोच लें हमारा कोई पता नहीं होता कहाँ कब चले गए। चलते चलते हम लोग एक और जगह रुके हैं, ये ब्राह्मणी खाने। तो यहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है गाइस, आप लोग भी यहाँ जरूर विजिट करिएगा। मिस्टर वेफर। तो एवरीवन मैं घर आ चुकी हूँ, और आज का मेरा ब्लॉग तुम लोगों ने देखा ही है, सारा इंटरव्यूज पे था, खाने पीने पे था, और मैंने वैसे कुछ खास नहीं किया, खाया बहुत है, मेरे बॉस को डर था मैं कहीं स्मार्ट ना हो जाऊँ, इस चक्कर में उसने मुझे बहुत खिलाया है। सर मेरे से फिर एक गलती हो गई है, वो जो मेरा ब्लॉग बना रहा था उसको मैं चपेड़ मारू गायब हो गया, अब मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ड्रेसिंग मेरी अच्छी लग रही है, मैंने घर आके दोबारा वही कर लिया, वहाँ पे गई थी मैं बाहर निकलती तो अच्छे कपड़े पहनती हूँ, घर आके फिर वही हाल हो जाते। सॉरी बेबी, चपेड़ इसको बहुत हैवी पड़ी है मुझसे। और वो पीछे आपको जो मुँह छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, दरिंदा परिंदा, एक भयानक खौफनाक, वो वही है जो रोटी पकाते हुए खिलवाया था मैंने। आपने आइयो आइयो, तुसी पेश करा दो, कोई नहीं मेरी खैर है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या तुम लोग का जाता है।